दोस्तों कहानी अगर किसी छुपे हुए और रहस्यमय खजाने के बारे में हो तो वो कहानी हम जरूर सुनना चाहेंगे। ऐसी फिल्में भी हमें देखना बहुत पसंद है और ऐसा ही एक खजाना है जिसके बारे में हर न्यूज चैनल हर न्यूज़पेपर कुछ न कुछ जरूर छाप रहा है। तो आइए हम भी सुनते हैं वो कहानी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करिए। दोस्तों वेलकम टू बिग स्टोरीज। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ यूनाइटेड नेशंस ने भुखमरी का अलर्ट जारी कर दिया है। लोग बेहद गरीबी में अपनी जिंदगी काट रहे हैं, लेकिन फिर भी ये देश साउथ एशिया के सबसे अमीर देशों में एक गिना जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कह रहा हूँ, लेकिन आपको जानकर ये ताजुब होगा कि अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ अकेले ही पूरी दुनिया के दुर्लभ खनिजों का 2/3 हिस्सा मौजूद है। दरअसल अफगानिस्तान में प्राचीन कीमती खजानों का भंडार छुपा हुआ है जो आज तक एक राज बना हुआ है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान की एक ऐसी मिस्ट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में गिना जाने वाला देश अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे के बाद अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया की नजर अफगानिस्तान में छुपे बैक्ट्रियन खजाने पर है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में एक जियोलॉजिकल रिसर्च की थी और जिसमें उनको पता चला था कि अफगानिस्तान की जमीन में लिथियम, एल्यूमिनियम, सोने और चांदी के अलावा बेहद कीमती खजाने का भंडार है। अगर अफगानिस्तान की जमीन से सारी कीमती चीजों को इकट्ठा कर लिया जाए तो जल्दी ही अफगानिस्तान सऊदी अरब को भी विकास के मामले में पीछे छोड़ देगा। यही वजह है कि अफगानिस्तान को तालिबान नहीं छोड़ना चाहता है और रूस, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश भी यहाँ पर बार बार चले आते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से पहले अमेरिका ने सन 2006 में ही यहाँ छुपे बैक्ट्रियन खजाने को ढूंढने की तैयारी शुरू कर दी थी। सोवियत संघ ने जब अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तो उस दौरान भी कई रिसर्च, कई सर्वे किए गए और अब तो चाइना भी अफगानिस्तान में तालिबान से कांटेक्ट करके पॉलिटिक्स खेलना चाहता है। इन सब बातों से साफ पता चलता है कि अफगानिस्तान की मिट्टी में दफन राज कोई छोटा मोटा राज नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि दशकों पहले अफगानिस्तान के उत्तर पूर्व में शेरबरगन जिले के तेला तपा नामक इलाके में बैक्ट्रियन खजाने की खोज की गई थी। इस खजाने में बेशकीमती सोने, जवाहरात के आभूषण, हथियार, सिक्के आदि मौजूद थे। खासकर इस खजाने में मिलने वाला हीरे और कीमती पत्थरों से जुड़ा हुआ सुनहरा मुकुट कलाकृति का एक अद्भुत नमूना है जिसे देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो जाएगा। कुछ रिसर्चर्स का ये मानना है कि ये बैक्ट्रियन खजाना प्राचीन कुषाण वंश का है। कुषाण लोग सेंट्रल एशिया से आए हुए कबीले के लोग थे जो भारत में आके बसे थे। दरअसल 2016 में नेशनल जियोग्राफी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें 2000 साल पुरानी फारसी और ग्रीक कलाकृतियों से मिश्रित खजाना मिलने की जानकारी दी गई थी। कुछ विशेषज्ञों का ये मानना है कि एशिया के सबसे अमीर खाना बदोशों की कब्र से ये खजाना बरामद हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि ये कब्र एक पुरुष और 5 महिलाओं की है। इन दुर्लभ 6 कब्रों में 20,000 से भी ज्यादा अनमोल चीजें मिली थी। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने से पहले फरवरी 2021 में अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी की सरकार ने इस बेशकीमती बैक्ट्रियन खजाने को राष्ट्रपति भवन में आम लोगों को देखने के लिए रखवा दिया था, लेकिन अफगानिस्तान की राजनीति में उठा पटक होने के चलते ये बैक्ट्रियन खजाना अचानक से कहीं गायब हो गया है। तालिबान ने भले ही अफगानिस्तान में सरकार तो बना ली है, लेकिन उसे चलाने के लिए तालिबान को पैसों की जरूरत है। अब जब बैक्ट्रियन खजाना अपनी जगह से गायब है तो तालिबानियों ने पागलों की तरह इसकी खोजबीन चालू कर दी है। पूर्व सरकार के पतन के बाद अब इस खजाने की सुरक्षा को लेके चिंता जाहिर की जा रही है। दोस्तों जरा सोचिए अगर ये खजाना तालिबान के हाथ लग गया तो क्या होगा। दुनिया भर में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ जाएंगी क्योंकि तालिबान और दूसरे आतंकवादी संगठन ऐसी आतंकवादी गतिविधियों को और बढ़ चढ़कर फंडिंग करेंगे। कुछ न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए तालिबान के कैबिनेट सांस्कृतिक आयोग के एक मिनिस्टर अहमदुल्लाह वासिक ने ये कहा कि बैक्ट्रियन खजाने को ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है और अगर तालिबान खजाने को ढूंढने में कामयाब होता है तो उस कीमती खजाने को हम संभाल के रखेंगे।
इसके आगे अहमदुल्लाह वासिक ने ये भी कहा कि अगर इस खजाने को अफगानिस्तान के बाहर ले जाया जाता है तो ये देशद्रोह होगा और तालिबान की सरकार इसके लिए कड़ी कार्यवाही करेगी। मौजूदा में तालिबानी सरकार ने बैक्ट्रियन खजाने की ट्रैकिंग शुरू कर दी है। और दोस्तों, आपको क्या लगता है कि तालिबान इस बेशकीमती खजाने को ढूंढने में कामयाब हो पाएगा या फिर से ये राज सिर्फ एक राज ही बनकर रह जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बैक्ट्रियन खजाने से जुड़े बहुत सी रहस्यमयी बातें और बहुत से छुपे हुए राजों का खुलासा करने के लिए मैं एक वीडियो और लेकर आऊंगा, अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग बिग स्टोरीज फ्रेंड्स। See you soon in the next video.